पंजाब दे विच बिजली का संकट है, तुहाडे आले दुआले पिंडां दे विच शहरी इलाके च जिथे भी रह रहे हो बिजली दे कट लग रहे होणगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं पहलां ही इस गल दा खदशा सी जां सरकार ने मीटिंग कीती होवेगी। बिजली मंत्री भी इस बारे कह चुके ने और इस बारे मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्रीय पूल चों पंजाब लई बिजली लैण लई 1000 मैगावाट अगले कुछ महीनों के लिए चिट्ठी पत्र भी लिख चुके हैं, पर हैरानी की गल यह है कि केंद्र सरकार ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझिया। चिट्ठी लिखे नूं कई हफ्ते बीत चुके हैं पर हाले तक जवाब नहीं आया। पर पंजाब दूजे पासे बिजली संकट के नाल जूझदा दिखाई दे रहा है। झोने का सीजन शुरुआत हो चुकी है, इस सीजन के दौरान बेशक सरकार ने कुछ पड़ावों के जिले वंड ले सन कि किहड़े-किहड़े जिले में कदों झोना लगेगा। सब तो पहला कंडियाली तार तो पार वाले किसानों को पहल दी गई, फिर कुछ सरहदी जिले तो कुछ पंजाब का दूसरा पासा वह हिस्से वंडिया गया। तो दो दो दिन तीन तीन दिन का जिहड़ा जिला वार है पड़ा दे विच वंड के पांच छे पड़ावों के झोना लगन की गल आखी गई, पर फिर भी हुण इस वक्त पंजाब दे विच जिहड़ी मंग है 15,000 मैगावाट तो भी वध चुकी है। पंजाब के अंदर यह बिजली संकट लगातार पैदा हो रहा है, नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहला भी इसे तरह कट लगते सन, पर पंजाब सरकार ने जिथे ही मुफ्त बिजली दे के सहूलत लोगों को देनी शुरू की है, पर दूजे पासे लोग जूझ भी रहे ने, घर कई कई घंटे के बिजली के कट भी लग रहे हैं। और इतों तक यह कहा गया सी कि बिना किसी रुकावट के खेती मोटर के लिए भी बिजली दी जाएगी, हालांकि कई थावां दे उत्ते जो झोना पड़ावार लग रहा है तो 8 घंटे की निर्विघन सप्लाई चल रही है, पर कई थावां दे उत्ते कट भी लग रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने एक होर तोड़ लभिया सी कि नहरी पानी है जिहड़ा थां थां पहुंचाउणा है, पूरे पंजाब दे विच हाले तक उस तरह दा नाल नहरां दा जाल नहीं विछिया, जिहड़े पुराने खाल सूए बंद सन उत्थे थोड़ा बहुता किते किते पानी पहुंचा है। विरलियां विरलियां टावियां टावियां ये तस्वीरां पहली बार जरूर आईयां ने कई सालों बाद कि नहरी पानी खेतों तक पुज रहा है। इसकी तैयारी है जिहड़ी बेशक दी थोड़ी देरी नाल हो रही, हालांकि कई थावां दे उत्ते झोना लग चुके हैं, पर कई थावां दे उत्ते खाल पुराने जिहड़े वहिंदे सन उह नहीं पुट्टे गए। एक पासे नहरी पानी के प्रबंध के हौली हौली सुधार हो रहा, पर दूजे पासे बिजली का वड्डा संकट है जिसनों लैके मुख्यमंत्री नूं इग्नोर कर दिता गया। मुख्यमंत्री के चिट्ठी पत्र का जवाब तक नहीं दिता गया। केंद्र सरकार के नाल पंजाब सरकार का जिहड़ा वह पहलां दे वांगू तकरार है उस तरह बरकरार है, जिवें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ते गवर्नर साहब के विचाले जिहड़ा रेड़का चल रहा, हालांकि वह वक्रे मुद्दे के उत्ते चल रहा है, पर इसका किते ना किते असर सूबे के उत्ते जरूर पै रहा है। जो फैसले लैने होंगे ने तो इन्हां गल्लां नूं भी ध्यान च रख्या जांदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गवर्नर नूं दे जरिए भाजपा के उत्ते काफ़ी वार किए, खास करके गवर्नर हाउस के बाहर यह कहना उन्हां दा सी कि सिर्फ भाजपा का दफ्तर है जिहड़ा मुख वह लिखना बाकी रह गया, बाकी सारा कुछ उत्थों चल रहा है। निक्कियां निक्कियां गल्लां दे करके खमियाजे वड्डे वड्डे भुगतने पै रहे ने पंजाब नूं, इस किस्से सिट्टे ते जाके लड़ाई खत्म होवेगी, पर केंद्र सरकार दा अपने केंद्रीय पूल दे विच्चों पंजाब नूं बिजली ना देना इस दे बारे हाले तक ना तां कोई जवाब दिता गया, ना यह कहा गया कि असीं नहीं बिजली देनी ते ना यह कहा गया कि हाँ बिजली दे रहे हैं। पर दूजे पासे जेकर अंकड़िया दे मुताबक गल कीती जावे तां मुख्यमंत्री दे चिट्ठी लिखण दे बावजूद जिहड़ा हाले तक जवाब भी नहीं आया ते पंजाब विच बिजली दी मंग 15,000 मैगावाट तो भी लंघ चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। सूबे दे विच बदलवाई जरूर है, हुमस पैदा हुई हुई है, पर किते भी अजिही बारिश जमी नहीं होया कि झोने नूं जिहड़ी राहत मिले। पहले कुछ दिनों दे विच हालांकि शुरुआती दौर विच इस तरह की गल सामने आई सी। ताप बिजली घरां विच इस वेले कोला भंडार तसल्ली वाला, वेरवे अनुसार यह भी दस्या गया कि लहरा मुहब्बत थर्मल प्लांट विच 25 दिनों का, रोपड़ थर्मल प्लांट विच 44 दिनों का कोला हाले पिया, राजपुरा थर्मल प्लांट में 34 दिनों का कोला पिया, जबकि बणावाली थर्मल प्लांट में 7 दिनों का, गोइंदवाल थर्मल कोल च 4 दिनों का कोला स्टाक हाले बाकी एडवांस के विच है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिक्र भी किया कि असी क्यों ना दसीए जो मशहूरियां ते सवाल चुके गए सी कि तुसी बाहरले सूबे दे विच क्यों इन्ने करोड़ां रुपए रोड़दे हो मशहूरियां ते विज्ञापनां ते इश्तहारां ते, उसका जवाब मुख्यमंत्री ने कहा सी कि बिजली दे लई इह कोले दा हवाला दित्ता सी, एडवांस दे विच है साडे कोल, असी क्यों ना दसीए बाहरले सूबियां नूं, असी क्यों ना दसीए इत्थे मुहल्ला क्लीनिक बनाए ने। इस तरह की जिहड़ी गल चली सी इसका जिक्र असी तां कर रहे हां क्योंकि इसका हवाला दिता गया। कोला बेशक दी पिया पर मैगावाट की जेकर बिजली की मंग वधी है इसे करके मुख्यमंत्री साहब नूं चिट्ठी लिखनी पई है, पर चिट्ठी का हाले तक जवाब नहीं आया, जिस करके हाले तक जिहड़ी 1000 मैगावाट बिजली मंगी गई सी कि वध मंग हो सकती है उस नूं लैके जेकर जवाब नहीं आया तो पंजाब इस संकट के नाल भी जूझदा दिखाई दे रहा है।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6,770 ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਲਏ ਨੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 4800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 9500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।